दोस्तों, दाऊद कंप्यूटर सेंटर में आपका स्वागत है। मैं हूं परवेज और आज हम सीखेंगे कि इन्वेंट्री शीट कैसे तैयार करते हैं। देखें, इसमें क्या है, मैं आपको बताऊंगा कि जो स्टॉक आता है और जो स्टॉक जाएगा उसकी हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे, यानी स्टॉक समरी बोल सकते हैं, इन्वेंट्री समरी बोल सकते हैं आप। इसमें गोडाउन है, हमारे पास 3, 4, 5 गोडाउन है। देखें, इसका एक सिंपल आपने पहले डिज़ाइन बना लेना है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख लिया इन्वेंट्री शीट, फिर पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसमें आपने एक चीज़ ध्यान देनी है, मैं आपको जूम कर लेता हूँ। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान दे लेनी है कि यहाँ पे हमें दो चीज़ें लेनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इनको दोनों को मर्ज कर लिया यहाँ से। फिर इसी तरह से ये मर्ज कर लिए। ऊपर वाले को हमने सिंपल ऐसे ही लिख दिया। इसमें भी हमने चार कॉलम यानी चार सेल मर्ज किए हैं, लेफ्ट टू राइट। इसमें अप डाउन दो सेल रो को मर्ज किया है। अच्छा, ये जो आपने लिखना है, इसके लिखने का तरीका यह है, सेलेक्ट करके यहाँ से आप इसको रोटेट जहाँ करना चाहें वहाँ कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल वैसे ही कर देता हूँ। तो ये सिंपल आपने बना लेना है और ये मेरे पास बना बनाया है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमने करना क्या है, इसमें क्या है, एक साइड आप देखेंगे कि हमने इसमें प्रोडक्ट लिखे हैं, उससे पहले आइटम कोड लिखे हैं, प्रोडक्ट लिखे हैं, HSN कोड है और टैक्स रेट है। अब हमने यहाँ पर डाल देना है, जैसे मान लीजिए 10-10 पीस हमारे पास हर गोडाउन में मौजूद है, तो यहाँ पर हमने 10-10 पीस ये डाल दिए। क्योंकि यहाँ लिखा है ओपनिंग, गोडाउन 5 में हमारे पास 20 पीस मौजूद हैं। टोटल ओपनिंग के लिए हम बराबर इन सबको जोड़ लेंगे। और इसको डबल क्लिक करके नीचे तक ले जाएंगे। देखें, इसमें मैंने 2000 आइटम लिए हैं। ये आप देखेंगे कि मैंने इसमें 2000 आइटम लिए हैं। इसको मैं यहाँ से व्यू में आके फ्रीज पेन कर लेता हूँ, उससे क्या होगा, वो ऊपर की रो फ्रीज हो जाएगी। अब इसी फॉर्मूले को हम इधर खींच लेंगे तो ये बता देगा हमें, अब इनको डबल क्लिक करके नीचे तक ले जाएंगे। मेन काम जो है हमें ये निकालना है कितना स्टॉक आया और कितना गया, क्या क्लोजिंग है। क्लोजिंग के लिए भी सिंपल फॉर्मूला लगेगा, लेकिन स्टॉक इन और स्टॉक आउट कैसे निकालेंगे वो आपने देखना है गोडाउन वाइज। सबसे पहले हम इसमें ये करेंगे इस शीट के लिए कि इस सेलों को सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें हम चाहे तो इसका कोई नाम रख लें, या फिर हम क्या करेंगे, एक साइड में यहाँ पर बराबर ये वाला सेल, बराबर ये वाला सेल, बराबर ये, बराबर ये, बराबर, और यहाँ पे ले लेंगे बराबर ये। देखो, एक साइड में आप लिख लेंगे इसमें अपने गोडाउन, चाहे तो यहाँ से इसको लिंक कर ले। अब हम इसको क्या करते हैं, फिलहाल कॉपी करके पेस्ट वैल्यू में कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिखा मेन लोकेशन, यहाँ पे लिखा मैंने Shop #1, Shop #2 और Shop #3 और Shop #4। अब सिंपल आप चाहें तो यहाँ पे बराबर का साइन लेंगे और एक एक को लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे जहाँ गोडाउन आ रहे हैं वहाँ पे आपके आने लगेंगे 1, 2, 3 और यहाँ पे आ गया हमारा 4। अब इस जगह को सेलेक्ट करना है आपने, इस जगह को आपने करना क्या है, इस जगह को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे गोडाउन। ये हमारे गोडाउन की लिस्ट है, बस इसका इतना ही काम है। आप चाहें तो इधर का फिर हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। अब आ जाते हैं हम स्टॉक इन शीट में। स्टॉक इन में हमने काम ये करना है कि यहाँ पे फिलहाल मैं यहाँ पे 10 आइटम ही ले लेता हूँ।
आपके ज़्यादा मतलब 10 ट्रांजैक्शन ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम 10 को सेलेक्ट करेंगे। डेटा में आएंगे, डेटा वैलिडेशन में, और यहाँ पे जब हम लिस्ट करेंगे, अब हमें पता नहीं हमने क्या नाम रखा था, तो आप क्या करेंगे, दो तरीके हैं इसके, एक तो फॉर्मूला में आएंगे आप, यूज़ इन फॉर्मूला जैसे गोडाउन, या फिर आप F3 प्रेस करेंगे यहीं पे, तो उससे भी आ जाएगा आपका। गोडाउन ले लेते हैं, ओके कर लेंगे। तो अब क्या है, वो गोडाउन यहाँ पे आने लगे आपके। तो ये तो हो गया इसको सर्च बनाने का। अभी फिलहाल क्या है, इसमें हम और थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको, 15 कर लिया हमने। यहाँ पे कोई भी एक डेट डाली, जैसे मैं आज की डेट डाल लेता हूँ, 7/3/19, और इस पे राइट क्लिक करके इसका फॉर्मेट चेंज कर लेंगे, फॉर्मेट सेल से। और यहाँ से ये फॉर्मेट ले लेंगे, तो इसमें थोड़ा डेट उल्टी हो गई, 3/7, पहले मेरे कंप्यूटर में मंथ है फिर ईयर है, वो पहले मंथ है फिर डेट है फिर ईयर है। मानो हमने इसको भी 3/7/19 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मेट पेंटर में लेंगे और इसकी फॉर्मेटिंग यही कर देंगे। अब हमने इसी डेट में, हम मान लो ये हमने ले लिया पूरा आइटम कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, या फिर तीन तीन आइटम ले रहे हैं हम, 3, फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब हमने स्टॉक इन में क्या करना है, यहाँ पे गोडाउन ले लेना, जैसे ये हमने मेन लोकेशन से, ये भी मेन लोकेशन से, और ये भी मेन लोकेशन से, तीन आइटम मेन लोकेशन से ले लिए, और शॉप वन से इसको भी ट्रैक कर लेते हैं। और फिर हमने ले लिया मेन लोकेशन, नहीं इसमें एक काम करना पड़ेगा हमें, शॉप वन ले लेते हैं पहले, फिर शॉप टू ले लेंगे, फिर शॉप थ्री, अभी क्या था हमने ये, शॉप फोर, बल्कि यहाँ पे थ्री, और थ्री ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम थ्री ले लेंगे। और ये आ गया आपका फोर फोर, और ये हो गया हमारा फोर। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे चारों मतलब जो हमारे 4-5 गोडाउन थे वो सब यहाँ पे ले लिए, मान लीजिए 50, 60, 70, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, मैं कुछ एक ये वैल्यू हमने ले ली, तो ये परचेज की हो गई, यानी कि ये हमारे पास क्वांटिटी इनफ्लो हुआ है। ये देखेंगे कि ये हमारे पास डाटा, यानी कि ये हमारे पास वो रिकॉर्ड है जो हमारे पास माल आया है। अब हम इसको इन्वेंट्री में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें इसके लिए हमने स्टॉक इन में एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इंसर्ट से आ जाएंगे, ओ सॉरी, फॉर्मूला में इंसर्ट फंक्शन, और यहाँ से आप लेंगे फॉर्मूला सम इफ़ एस, और गो कर देंगे इसको, तो आप देखेंगे सम इफ्स का फॉर्मूला ये आ गया। ओके करना आपने इसको, ओके करने के बाद देखें इसमें क्या होता, सबसे पहले इसने पूछा सम रेंज, यानी टोटल कहाँ से आना है। अब टोटल तो हमारा स्टॉक इन से आना है, और वो भी आना है हमारा क्वांटिटी परचेज से, तो इसको हमने ले लिया स्टॉक इन में। अब इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है, आपने इसको F4 की मदद से इसको लॉक करना है। लॉक करने का मतलब ये है डाटा वहीं तक रहेगा, ये आप और आगे तक भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं जाऊँ तो 200 तक कर लिया मैंने। अब क्राइटेरिया रेंज वन, यानी फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, हमने स्टॉक इसमें आए, सबसे पहला क्राइटेरिया ये है आइटम कोड,
इसको भी मैंने 200 तक किया और इसको भी लॉक कर लिया, C6 से लेकर लॉक कर लिया। और इसका क्राइटेरिया क्या है, इसका क्राइटेरिया ले लिया मैंने ये वाला सेल, क्योंकि पहले वाला यानी आइटम कोड इसमें जितने भी है इसको लॉक नहीं करेंगे। क्राइटेरिया रेंज टू, क्राइटेरिया रेंज टू जो लेंगे हम वो स्टॉक इन में लेंगे लोकेशन की रेंज, इसको भी मैं चाहूँ तो 200 कर लूँ और इसको भी लॉक कर लेंगे। आपने ये ध्यान देना है कि लॉक करने के लिए F4 की का इस्तेमाल करेंगे, या फिर इसका एक लॉक करने का तरीका भी मैं बता दूँ कि कॉलम का नंबर जो आता है जैसे ABCD जो कॉलम का अल्फ़ाबेट है उससे पहले एक डॉलर का साइन और रो से पहले एक डॉलर का साइन। कई कंडीशन में ऐसा होता है कि हमें सिर्फ रॉ को लॉक करना है तो तब हम क्या करते हैं, रॉ के लिए लगाएंगे हम डॉलर, कॉलम के लिए नहीं लगाएंगे, और जब हमें कॉलम को लॉक करना है तो रॉ का हटा देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक, हमने क्राइटेरिया दूसरा ले लिया, इसकी जो रेंज होगी वो हमारी ये लोकेशन हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, इसको लॉक कर लेंगे। तो आप देखेंगे जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो स्टॉक इन जो हुआ है प्रोडक्ट वन का मेन लोकेशन में, इसको मैं डबल क्लिक किया तो 50, 60, 70। अब इसी तरह से आपने ये स्टॉक इन हो गया, इसी तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे मैंने सम रेंज एक बार, क्योंकि मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूँ क्योंकि और आप अच्छी तरह समझ जाए, सम रेंज का मतलब होता है जहाँ से मतलब टोटल लेना है हमने, एक्चुअल सेल जहाँ से हमें इसको जोड़ना है। अब टोटल जो मिलेगा वो हमें यहाँ से मिलेगा क्योंकि क्वांटिटी परचेज जब होंगी तभी वो प्लस होगा। तो ये हो गया हमारा, E6 से लेकर E200 तक मान लीजिए हमने ले लिया। क्राइटेरिया रेंज हो गई इसकी, आइटम कोड 200 तक, और इसको भी लॉक कर लिया। अगर आप इसको लॉक नहीं करेंगे तब दिक्कत आ जाएगी। और इसका क्राइटेरिया हो गया ये, अगला क्राइटेरिया हो गया हमारा स्टॉक इन में गोडाउन, और इसका भी लॉक कर लिया हमने इसको। और इसके बाद हम कहाँ फार्मूला लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं यहाँ पे, तो इसका जो क्राइटेरिया होगा वो ये वाला सेल हो जाएगा J2 में है, इसको भी हम लॉक कर लेंगे। ओके करेंगे, आप देखेंगे 10 पीस आए हैं, फिर डबल क्लिक करेंगे 20 पीस 3 पीस। देखें पहले हमने 50, 60, 70, फिर 10, 20, 30, इसी तरह से आप ये सब कर लेंगे इसमें आगे। तो अब हम इसके स्टॉक इन में क्या करेंगे, स्टॉक इन का भी सेम यही, सॉरी स्टॉक आउट का क्या करेंगे, यहाँ पे हमने सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करना है जितने सोल्ड हुए हैं। तो उसी तरह से जैसे हमारे ये कैलकुलेट होके आए हैं, ये वाला डेटा कैलकुलेट होके आया है गोडाउन वाला, उसी तरह से वो यानी स्टॉक इन वाला इसी तरह से आउट वाला आ जाएगा। अब क्लोजिंग में हम क्या करेंगे, बराबर ये वाला सेल प्लस स्टॉक इन जितना हुआ है और माइनस कर लेंगे सिंपल स्टॉक आउट, फॉर्मूला को डबल क्लिक करके लास्ट तक चला देंगे तो ये दिखा देगा कितने कितने हमारे पास बाकी हैं। सेम इसी तरह से आपने ओपनिंग प्लस इन माइनस आउट, यानी 10 पीस हमारे पास पहले से थे, 10 आए तो 20 हो गए हैं। तो ये आ गया आपका। तो इस तरह से आप आसानी से अपना स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आपने देख वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ आपका, जो बहुत मतलब ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है,
लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा, वो आपने देखना है, वो खुद समझ जाएंगे आपके कितना काम आएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।